हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं वायरस के बारे में। एक्चुअली देखिए, वायरस होता क्या है? वायरस कोई बड़ा चीज़ नहीं है। वायरस एक किसी भी प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है। वायरस ऐसा एक इन्फेक्टेड फाइल होता है जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर जाने के बाद एक ऐसा अनवांटेड एक्शन को करता है जो कि यूज़र नहीं चाहता। जैसे कि हम एक वायरस को बना रहे हैं जो कि हमारे सिस्टम में आते ही वो मेरे फाइल को डिलीट कर देगा। जैसे एक ऐसा फाइल बनाया है जो कि मेरे सिस्टम में आते के साथ मेरे सिस्टम को शट डाउन कर देगा। मेरे सिस्टम में जाते के साथ ही मेरे सिस्टम का सारा फाइल को करप्ट कर देगा। सिस्टम में आते के साथ ही मेरे सिस्टम के सारे फाइल को लॉक कर देगा, या फिर मेरे सिस्टम में आते के साथ ही मेरे सारा डाटा को किसी और सर्वर में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इन सभी टास्क को अगर कोई फाइल परफॉर्म करता है तो उस फाइल इन्फेक्टेड फाइल को हम लोग बोलते हैं वायरस। जो कि वायरस एक दूसरी अनऑथराइज कंपनी बनाती है और आपके सिस्टम को हैक करती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक छोटा सा वायरस कैसे बनाते हैं। तो देखिए, वायरस बनाने के लिए हम लोग जो कोडिंग करते हैं वो विजुअल बेसिक में कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, विजुअल बेसिक का सारा कोडिंग हम लोग नोटपैड से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेंगे और हम एक छोटा सा वायरस बना रहे हैं जो कि एक ऐसा फाइल है जो कि जब यूज़र उसमें ओपन करता है तो वो बार बार किसी एक्शन को दिखाते रहेगा। चाहे यूज़र कितना भी चाहे उसको बंद करना तो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो वैसा हम एक वायरस बना रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको वो दिखाना है। जैसे कि हम लोग क्लिक किए, तुरंत बोल दिया कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, डिलीट हो गया है, या फिर शट डाउन हो रहा है कुछ भी। तो जो हमको शो ऑफ करना है वो चीज़ हम यहाँ पर मैसेज बॉक्स नाम का कोड है उसमें हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में उस मैसेज को टाइप कर देते हैं जो हमको दिखाना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं यूज़र को दिखाना, You have been hacked, ठीक है। ये हम चाहते हैं यूज़र को शो ऑफ करना। बस अब हमको यहाँ किया फाइल में जाके सेव कर दिए। यहाँ पे हम फाइल का नाम डाल दिए कुछ भी, hacked.vbs का मतलब क्या होता है, vbs हम लोग डालेंगे एक्सटेंशन। vbs क्या होता है, विजुअल बेसिक का कोड का एक्सटेंशन है, ठीक है, विजुअल बेसिक फाइल का। अब हम यहाँ सेव कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखिएगा, एक वायरस हम क्रिएट कर दिए हैं जिसका नाम है हैक। देखिए बन गया, ये एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक इन्फेक्टेड फाइल है, ठीक है। अब हम इसमें जब हम डबल क्लिक कर यूज़र करता है तो हमको एक मैसेज शो करेगा। देखिए शो कर रहा है यू हैव बीन हैक्ड, ठीक है। जब यूज़र इसमें ओके किया तो आपका बंद हो गया। तो हम चाहते हैं यूज़र जब भी क्लिक करे बंद नहीं हो, फिर से ऑटोमेटिक खुल जाए। तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर देंगे। एडिट क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि इसी फाइल को बार बार वो ओपन करे, री ओपन कर देना। तो हम चाहते हैं कि ये फाइल बार बार हो, तो डू, और ये फाइल बार बार हो, बार बार कोई भी चीज़ तब होता है जब उसको लूप में चलाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लूप लगाते हैं। लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब होता है किसी भी टास्क को कंटिन्यूस परफॉर्म करना जब तक वो एंड ना हो। तो हम यहाँ पर सिर्फ लूप लिखे हैं, कोई एंड का एक्सटेंशन नहीं दिए हैं कि कहाँ तक इसको जाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ लूप लगा दिए और सेव कर दिए, फाइल को सेव करके बंद कर दिए। अब जब हम नेक्स्ट टाइम इस फाइल को ओपन करेंगे, या फिर कोई यूज़र ओपन करता है अपने सिस्टम में डालने के बाद, या फिर वो डाउनलोड करते टाइम इस फाइल को डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम में और उसने सोचा कि ये कोई एक सॉफ्टवेयर है, और जब हम रन करेंगे तो सॉफ्टवेयर रन होगा लेकिन ये एक फाइल था, वायरस था। जब उसने इस फाइल को क्लिक किया तो यहाँ मैसेज शो किया यू हैव बीन हैक्ड। फिर जब उसने ओके यहाँ प्रेस किया, फिर से फाइल ओपन हो गया यू हैव बीन हैक्ड। यहाँ जितना पर क्लिक कर रहा है वो जितना पर भी काट रहा है उसको, यहाँ पे कट करने पर वो ऑटोमेटिक यू हैव बीन हैक्ड का मैसेज खुल रहा है, कभी बंद नहीं होगा। तो इसको बंद करने का दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप सिस्टम को शट डाउन कर दीजिए तभी बंद हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए आप, दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये एक एप्लीकेशन है जो आपका दिख रहा है, ठीक है। आप इस पर एप्लीकेशन को बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक कीजिएगा स्टार्ट टास्क बार में और यहाँ पर जाइएगा टास्क मैनेजर में, ठीक है। टास्क मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपका अगर बहुत लंबा लिस्ट खुल रहा होगा तो यहाँ पे जैसे आपको ऐसा खुल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फाइल मेरा ये इस फाइल को बंद करेगा, कौन सा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप नेम में क्लिक कर दीजिएगा। तो नेम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक्टिव एप्लीकेशन का नाम दिखाता है कि कौन कौन सा एक्टिव है। तो इसमें से ये जो आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आइकन भी देख सकते हैं, कैसा आइकन, इसका एक कैमरा जैसा आइकन बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइकन मिल रहा है, मैच कर रहा है। ये एक एप्लीकेशन है जो कि विजुअल बेसिक के फाइल को ओपन करता है। इसी एप्लीकेशन को राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पे कर देंगे इन टास्क। इन टास्क करने पर मतलब ये फाइल बंद हो चुका है,
अब ये फाइल बंद हो गया, इसको दोबारा ओपन नहीं करेंगे। दोबारा ओपन करेंगे तो फिर से हमको वहाँ जाके बंद करना होगा, ठीक है। देखिए अब ये बंद नहीं होगा, कितना भी कुछ कर लें, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे यू हैव बीन हैक तो लिखा है, पर हम यहाँ चाहते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट नाम का एक हेडिंग आ जाए, टाइटल, तो उसको ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू वायरस बनाते हैं। फिर से हम लोग जाएंगे नोटपैड में, नोटपैड में जाके फिर से एक हम लोग इस बार क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल ले लिए MSG मैसेज बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज क्या शो करवाना है, यू हैव बीन हैक्ड। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 0+16, ठीक है। ये कोड है, कोड के बारे में और भी डिटेल्स आपको बताएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ होता है वो टाइटल जो आपको शो करवाना है, जैसे हमको शो करवाना है सिक्योरिटी अलर्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये फाइल लूप में चला जाए, तो बस हमको क्या करना होगा, इसको लूप में डाल देंगे, डू लिखें, लास्ट में लूप लिख देंगे। फिर वैसे ही सेम प्रोसेस है, फाइल को सेव करेंगे, यहाँ फाइल का नाम डालेंगे कुछ भी, डॉट देके VBS डाल देंगे, मतलब विजुअल बेसिक, सेव। ये दूसरा वायरस भी क्रिएट हो गया, डेस्कटॉप में ही है, यहाँ देखिए। इसका काम क्या है, मैसेज शो करना लेकिन टाइटल के साथ। तो ये आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट नाम का एक टाइटल शो कर रहा है, और नीचे में आपको शो कर रहा है यू हैव बीन हैक्ड। सेम प्रोसेस इसका भी, ओके कीजिए, कितना भी बंद नहीं होगा। सिक्योरिटी अलर्ट नाम का एक टाइटल भी शो कर रहा है। अब इसको बंद करना है तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ से जाएंगे टास्क मैनेजर में, और फिर से हम यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि दो डायलॉग बॉक्स खुला हुआ, एक ये एक ये, तो इसमें राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, शट डाउन, राइट क्लिक किए, इन द नाउ, ठीक है। तो ये था दोनों वायरस। अब हम इस फाइल को किसी को भी दे देंगे तो वो इसको बंद नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा कि सिस्टम मेरा हैक्ड हो गया है, ठीक है। उसको हम डिलीट करते हैं, अपने सिस्टम से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का आपको प्रोसेस पता होगा, शिफ्ट अगर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है,